amazing single. Thi kafi arson se chali aa rahi hai. You've given us some of the bestest hits in the industry. Aur music ki agar baat kare to wo bhi bada kamal ka diya hai. Abhi sir, ye is single ke saath kaise associated hai? Please tell us. Good evening everybody. Dekhiye, ye Venus company sirf Champak Jaini nahi chalata. Ye baaki ke saath bhai hain jo hum log sab log milkar, ye mere bade bhai sab Ramesh ji hain. To sabse pehle ये गाना डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं अजीज, मिस्टर अजय और लवेल, और मैंने हम लोगों ने मिलकर ये गाना बनाया था. तो जब हमने ये गाना, पहले भी मैं सोफी के साथ काम करना चाहता था लेकिन कुछ ऐसा वर्कआउट हुआ नहीं. लेकिन उसके बाद जब मेरे डायरेक्टर और हमने ये गाना सुनाया उनको, सोफी को, तो उन्होंने एक सेकेंड में हाँ बोल दिया कि यस आई वॉन्ट टू डू दिस सॉन्ग. सो वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद आपके सामने. राइट जैन साहब, आपने भाइयों की बात की और कैसे आप सब मिलजुल के कंपनी चलाते हैं. थोड़ा पर्सनल सवाल, मुझे बोले दोस्त और भाई लोग बैचलर्स पार्टी देते हैं, आप में से किसी ने किसी को दी थी और क्या क्या हुआ था? नहीं, बता ही दो. सॉरी, हमारे टाइम में नहीं था ये अभी शुरू हुआ है ना. सो ही इज लाइक टू एक्साइटेड, ही इज लाइक अभी इसके साथ जी रहे और वापस से. करेक्ट, यू गाइस हैव टू पार्टी टुगेदर सारे भाई लोग को जाके, है ना. थैंक यू सो मच सर. सो वुड यू लाइक टू से समथिंग प्लीज? थोड़ा सा He's like, नहीं, मेरा भाई ने कर लिया सारा काम, अभी वी आर गुड. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर दूत फ्रॉम वीडियोकॉन, गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन. तो पहले आप, चंपक जी ने जैसा बताया हमारे टाइम में भी नहीं था, मतलब वेरी सिमिलर, लेकिन अभी ये ट्रेंड चालू होगा. और चंपक जी के साथ हमारा एसोसिएशन आई थिंक ऑलमोस्ट दो डिकेड के ऊपर 20 ईयर. हेरा फेरी जब मतलब पहली पिक्चर आई थी जी, तो और हंगामा आई थी, तो उसमें अपना इन फिल्म मतलब ब्रांडिंग थी. आई थिंक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पुराना ये एसोसिएशन है और हम लोग ने काफ़ी एड्स बनाए हैं, साथ में काफ़ी स्पॉन्सरशिप इन फिल्म ब्रांडिंग की है. right. हमारे एकदम परिवार जैसे है ये. तो चंपक जी के साथ अभी हम लोग री एसोसिएट हो रहे हैं एक अच्छे मतलब प्रोजेक्ट में. राइट राइट. और क्रिएटिव की बात करूँ और चंपक जी की यहाँ पे हम लोग बात कर, जनरली आई एम सेइंग बैचलरेट में, है ना. सो ये इतनी इनसाइट एंड पीपल आर सो एक्साइटेड यार, टेल अस समथिंग अबाउट इट. हाउ मेनी बैचलरेट्स हैव यू क्रैश्ड? ओके I'll tell you, I have crashed many bachelorette. यही है वो शख्स. चंपक जी ने बोला हमारे टाइम पे नहीं था, दूसरा आपने बोला हमारे टाइम पे नहीं था, पर मेरे टाइम पे है. तो मेरे को बहुत खुशी है कि हम इस टाइम के हैं. सर आप इस टाइम के नहीं, टाइम के, वो भी इसी टाइम के हैं. वो यहाँ बता नहीं रहे इस प्लेटफॉर्म बैचलर टाइम का हूँ. इस गाने की और इस वीडियो की बात करें प्लीज. I'll give it to Ajay. अजय साहब ऐसा अभी एकदम सीधे आप खड़े, मेरे को पता है सारी खुराफात आप ही की थी यहाँ पे, है ना. ये सब छुपी तमन्ना है यार. देखोगे तो मालूम पड़ेगा क्या क्या है. यही तो सुनना चाह रहे थे, बिकॉज ऑल द मैन ओवर हियर, यू नो, सुना सबने, बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है वो किसी को नहीं पता. यहाँ क्या क्या हुआ बताइए, अब देखना, देखने पे पता चलेगा. अच्छा ठीक है, देखने पे पता चलेगा. सो गिव इट अप फॉर दिस अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड नाउ लेट्स वेलकम द वेरी गॉर्जियस, the todphod, amazingly talented Sophie. Welcome. Hi, welcome everybody. Welcome. Hi Neil, I love you for being here. Thank you. So good to see you. Hello. Kaise hain aap? Kaise sir? Thank you all so much for being here today. I know the weather's kind of crazy and itna acha lag raha hai for such a good turnout. So first really tahe dil se shukriya to all the media who always supported me and they're here again today. Yeah, it feels good with the song launch. Tell me. Right. Kaisi hain aap? Badhiya. Ha, give it up for her, yaar. You sab log bahut mehnat kar rahe hain. Venus ki team, hamari team, Aura Creative, your mom is there. Yeah, and she's a rock star. Yeah, this album has been produced of course by Venus Champak ji, and there's another name on there which is Aura Creative. For all of those wondering who that is, that's Sophie and Yasmin Choudhury. So yeah, we're very, very proud to foray into right. this. You know, before we talk about this single or we launch this officially. Am I engaged? Do you all want me to be engaged? No, I don't. I don't. ये एक छोटा सा झटका हमने सबको दिया था. छोटा नहीं है ये, पीछे we can see it on this big screen. Oh yes, this was the झटका and it created quite a bit of sensation, right? That's the feedback that I got, and actually it was just a way to kick off our campaign. Because now, when you see the song and you know that it's a bachelorette song,
तो आप सबको पता चलेगा इट्स वेरी मच इन थीम विद द सॉन्ग. ये जो मिस्ट्री मैन है ये अब इतने ज्यादा मिस्ट्री नहीं रहेंगे. बट या द रिस्पॉन्स फॉर द कैंपेन हैज बीन सो पॉजिटिव एंड सिंगल्स के लिए लोग अक्सर इतना कुछ नहीं करते हैं. पीपल डू थिंग्स फॉर मूवीज बट वी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट. सो माई अमेजिंग टीम, माई पी आर टीम एंड माई मार्केटिंग टीम ट्रिगर मैक्स, वी पुट टुगेदर दिस आइडिया and it's worked. I don't know, I think I'm very happy ke singles ka time wapas aa raha hai. It's really important to have non film music. Ha aksar jo singles aa rahe hain usme bhi hero heroes nazar hero heroine nazar aa rahe hain. So I don't know how that makes it different to a Bollywood song. A pop song is really with the pop artists. Aur aap sabko wo waqt yaad rahega jab Euphoria, Shaan, sabke videos play hote the and we all used to love watching them. So I've always believed we need to bring that time back. And I'm really happy that Champak ji and Venus have supported me and Ajay and Lavi and Videocon, everybody who have that same vision ke apart from Bollywood songs, we need non-Bollywood songs. Right. Jahan tak aise videos ka sawal hai, yeah, I think a lot of them are being made to create noise. A lot of them are, you know, going all out in a different way. Lekin mera motto hamesha yahi raha hai, to be desirable and not desperate. And wow. I think us video se aapko yahi pata chalega ki that has always been my motto with all my songs. Talking about this teaser, ये जो हमने देखा था, इसमें एक rock है आपके हाथ में, लड़के तो पागल हुए, सोफी engaged हो गई, लड़कियों ने बड़े तलाक दे दिए। जब मेरी असलियत में engagement होगी, वो rock इतना बड़ा होगा ना, तब सबकी हालत खराब होगी। इससे भी बड़ा होगा, मतलब girls are already you know taking their boyfriends का craze। जब वो होगा and I hope के the excitement we created with this doesn't ruin the excitement for when it actually happens. उम्मीद ये है कि जब मेरी actually शादी होगी आप फिर भी मेरे लिए excited होंगे। शेर आया ना होएगा। हाँ वो in fact the other day श्रीदेवी मैम congratulated me, I nearly died. She said जानवी told me you're engaged. I said man, मेरे गाने के लिए था. So yeah it was embarrassing but she wished me an even better husband than the mystery man. Okay mystery man ka message hai yahan pe aap sab ke liye aur Sophie ke liye. But before that tell me ki ek bahut hi kamal ka marketing plan tha is sab ke sath, you know, Sonam Kapoor ki app pe. Really lucky to have friends like that in the business. It's a never done before way of launching a teaser on Sonam Kapoor's app. It's a very unique thing first of all to for a celebrity to launch another artist's song teaser. Wo hota nahi aksar and my friends have always been so supportive. And it was a very cool, very clever thing to do because this song is fun and girly and stylish and I think it really fits Sonam Kapoor. So it took her all of 1 second to say yes. And the response has been amazing. Unke Instagram page pe the teaser had over 150,000 views in a day. So I think that is also amazing for a single. Both yeah. of you look just gorgeous over there. Thank you. And now can we have that message apna mystery man ki taraf se jo ki aaya hua hai? Nahi, wo nahi aayega. Wo ek aur mystery man aayega, wo message wo denge. That's for sure. Koi aur aayega? Haan, shayad koi aur aayega. But there's just one thing I want to say about music and singles. लोग हमेशा हिट्स के बारे में बात करते हैं कि 20 मिलियन हिट्स एंड 30 मिलियन हिट्स. बट आई थिंक वी ऑल नो कि हिट्स खरीदे भी जा सकते हैं. मैं गाने तब से बना रही हूँ जब यूट्यूब हिट्स होते ही नहीं थे. और हिट गाना तब होता है जब लोग पसंद करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको शादियों में प्ले करते हैं और दूर दूर से रिक्वेस्ट आती है. दैट्स व्हाट आई स्टिल गेट फॉर सॉन्ग्स लाइक थैंक यू. दैट्स व्हाट आई स्टिल गेट for songs like Babu Chhel Chabila, Ek Pardesi, jo itne purane hain, and I really hope Sajan Main Nachungi ke saath yahi hoga. Sometimes people go to see a video on YouTube just out of curiosity. It doesn't mean they love the song. With my song, I hope we get amazing hits. But more than that, I hope the song spreads some joy, spreads some fun, and it's the kind of song that people will be performing on at weddings. So, well, sure inshallah. Hits bhi honge aur gana super hit bhi hoga. Thank you. So let's take a look at the teaser. Ho we jai. Must. We must. Here we go, ladies and gentlemen. All eyes on the big screen. Sajan Main Nachungi. पहले इतने प्यार से नहलाते नहीं, मैं पता नहीं कैसे कैसे नहलाया जा रहा है उस टीजर में उस व्यक्ति को, है ना. इसो लकी अब आपको पता चल रहा है कि बैचलरेट में क्या क्या होता है. अभी अभी पूरा नहीं पता लगा है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा गुनगुना देंगी अगर आप, तो मजा आएगा. व्हाट डू यू गाइस से यार, शी नीड्स टू सिंग थोड़ा सा एटलीस्ट. नहीं, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही. गुनगुनाना चाहिए क्या थोड़ा बहुत. द थिंग इज कि अब तक आपने देखा होगा इस कैंपेन के जरिए कि वी हैव नॉट डन एनीथिंग बाय हाफ मेजर्स. तो गुनगुनाएंगे नहीं, उससे थोड़ा अच्छा ही करेंगे. करें हो जाए. अरे यस, नहीं थोड़ा जोर से हो जाए. They don't know what to expect. Everybody is like एकदम speechless. So हो जाए यहाँ पे सजन में नाचूंगी. First time ever. We'll be right back.
महीने के लिए ड्रीम टीम के लिए क्या चलेगा? तुम किसके लिए नाच रहे हो? कौन है तुम्हारा सजन? अब तक तो मेरे को लगा मैं था सजन. अब सबको पता चल गया असलियत में सजन कौन है मेरा. क्यों आप क्यों नाच रहे हो? कौन से सजन के लिए? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, अगर हर लड़की ये सोचेगी कि नाचते नाचते सजन बोलते बोलते वरुण धवन आ जाएगा तब तो मेरा गाना सुपर हिट है. No, I genuinely got very worried because हम लोग उधर अमेरिका में थे और we saw some picture कि आपकी engagement हो गई है. Karan also got worried. I don't know why Karan got worried, but I got worried. I said engagement हो गई, आपने बताया भी नहीं क्यों. मैं चाहती थी कि मैं सबको एक छोटा सा झटका दे दूं. दिया ना झटका? इतना बड़ा झटका दिया कि मतलब अमेरिका से मैं इधर आ गया, इतना बड़ा झटका दिया कि दो दो माइक का इस्तेमाल करना पड़ा मुझे. बट आई थिंक बिसाइड्स दैट, आई थिंक अभी झटका छोटा नहीं बड़ा देना चाहिए हमें. आई थिंक वी शुड वॉच द होल सॉन्ग नाउ. थैंक यू वरुण. गाइस, लेट्स वॉच द होल सॉन्ग सजन मैं नाचूंगी. थैंक यू. वी वेटिंग फॉर सजन मैं नाचूंगी. आर वी सेट? Oh my God! I guess all good things come to those who wait. They want you to sing, Sophie. They're like, "Aap gahi lo. Aap bahut acha gaa rahe ho." Abhi to gaya. Yeah, I can sing along with the video. Yeah, do that. Yeah. Come on, say, Sophie, Sophie, Sophie. On stage with me. Whoa! And I have a couple of tiras. Yes, Varun, hi. You just said. Hi! Scream for him. Varun, you've come all the way from Videsh. सिर्फ ये खबर सुन के कि ऐसा सोफी का एंगेजमेंट हो गई या कुछ. आप भी सिंगल हो और ये कह रही हैं? मैं सिंगर नहीं हूँ भाई. मैं तुम सिंगल नहीं हो? We just got it. मैं सिंगरों से बहुत प्यार करता हूँ पर मैं सिंगर नहीं हूँ. मैं क्या? I'm saying I love singers, but I. अच्छा, मैं I love singers, but I'm not a singer. So, अब मैं वापस घुमा देता हूँ यहाँ पे सवाल. जी. अगर वरुण को सोफी के लिए कोई ढूंढना हो इंडस्ट्री में ताकि वो सिंगल ना रहे और वो बड़ा सा रॉक आ जाए हाथ में तो कौन होगा? अरे इधर बैठे हैं मिस्टर नील नितिन मुकेश और खुद भी गाते हैं वो. आई थिंक he's got a, and he genuinely has a very very good voice. Right. And I've heard him sing in fact live also once. Huh. I've seen a lot of videos of him, but genuinely I think you all can do a duet. Yeah, I think we will plan to do a duet next after this. But Filhal, have you ever crashed a bachelorette party? Have I ever crashed? I have actually once in Mumbai only. I was with a couple of friends and we were not, there was a bachelorette going on and we were obviously not invited for it. And we just went in and someone would ask, ki tum, the, I mean the girls were more uncomfortable there than the guys because it was only girls over there, so they wanted guys to be there. And, yeah. So, आप जब bachelor के अंदर गए, आपने क्या देखा? वो अभी TV पे नहीं बता सकते. अच्छा, इतना कुछ. ऐसा ऐसा कुछ नज़ारा था. I think this was too hot. इसलिए ये ऐसा हो गया. But I'm hoping, are we sorted now? Somebody को इशारा दे दो हमें. इशारा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं? क्या हो रहा है? Guys, do we have anything sorted over there? My goodness. घर में आके हम गाएंगे तुम्हारे फिर उसके बाद अगर अभी नहीं चलाओगे. This is amazing. Oh, it's happening. It's happening. मेहनत कर रही हैं. Okay, Varun, if you were to crash, किसका? उसका तो bachelor party होता. नहीं bachelorette, actress. Bachelorette party. I think you have to be first close enough to a person to crash it. So. घुस जाओ, आपको कौन रोक रहा है? You know, you guys are like superstars, कहीं भी पहुंच जाओ. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, but वो लोग गुस्सा. I think Sonam Kapoor, I could probably crash her party because she's like family and grown up with us. So. Yeah, and she agrees with me about how a bachelorette needs to be done. She launched your song as well. She did. She launched the teaser just before you did. But everybody knows that Varun Dhawan is an amazing dancer. और मतलब yeah, and matlab I couldn't get him for my actual video, and it's amazing that he's here from my launch, straight from Dream Team. He's come here. So, jo gana hai, while you're sorting that out, thoda wo to baja do. Isko to ek minute lagega seekhne mein. Ready? Teach me the step. I'll follow you.
it without even seeing it. And now, I think we're actually sorted. Good finally. To go. Come to those who wait. So I hope aap logon ko video acha laga. Aur aap logon ko ab thoda pata chal gaya ki ek bachelorette mein kya hota hai. Haan, hum ghar ja ke bolenge, mummy, mummy, hume pata hai. Bachelorette mein kya hota hai, wahan bachcha party bhi hai, bahut sari, wo bhi bolne wale. Honestly, I think it's a fabulous video. The production values are amazing. In fact, jab main yahan se aa raha tha, and I think Champak ji is also over here. I have a long association with Venus. In fact, they're my neighbors. Bilkul baju mein hi rehte mere, and they've been associated with so many films with my family as well. So it's a great honor for me to be here and launch their single, and especially with Sophie as well, who I've known since the beginning of my career. Honestly, I think the production values and the way How are you, sir? I think the way the video has been shot and conceptualized and directed is... Ajay and Lavi, you guys did a killer job. Big hand for them, guys. Please come on stage, guys. Dalia for Colossus, ladies and gentlemen, Ajay Lavel. Mr. Dhoot, I would request you to kindly, you know, grace the occasion. Aap bhi please upanai. And Mr. Dhoot is here as well, who obviously we all are very close to. Kaise ho, sir? Mr. Ramesh Jain. I just want to say two quick words. Is gaane ko choreograph kiya hai the amazing Adil Sheikh ne, who had a huge hit with Kar Gaye Chul this year. So he's done the choreography, and the music director is, it means a lot to me that Mana is here today, because the music director, I need your mic. Yes. The music director is a new young guy who couldn't be here today. He's, where are you? Where are you? Vikram, where are you? Oh my God, guys, this is the music director of my song. Just look at him. No one's going to believe that such a young, cool guy. Look at him. Of course, I'm going to. Mr. Girish Jain. The amazing Vikram Montrose. I want to tell you that he was actually discovered by Sanjay Dutt, and he's been working on music with him. And because Sanju's love for me and Ajay and Lavi, he very kindly let Vikram debut with my song. So I'm so grateful. Mana, you have to come on stage. You have please, Mana, you have to come on stage. Big hand, please, for her, guys. Give it up for her, ladies and gentlemen. And Mr. Bhavar Jain, aapse bhi request karunga, sir, please up stage. All good? I'll have to ask you, video ke upar your views, like, first reaction. Exactly, not no comments, but yes, it's like a family video, because Sophie, not many people know my children, they call her Khala. So yeah, she's Sophie Khala for my kids, and he's my Rakhi brother. He is discovery of SDB, so it's like culmination of everything. It's a family video. It's nice. So now, yeah. We can say that you're all set to give her a nice bachelorette party. Isse kuch milta julta? Sanju's after her forever to get married. Yeah, that's Sanju. So I, you know, because Sanju wants me to get married, maine afwa phaila di ki thode din tak wo shant rahenge. But thank you all for being here, and I think we have one last formality to complete. Are we there? Are we all there? Right here. Umesh ji bhi yahan par hai. Main unse bhi request karunga. Kindly grace the occasion, sir, please. Aap bhi aaye. Also, Mr. Yogesh Lakhani is here. Yeah. So, yeah, from Bright Outdoors. Unke liye bhi taaliyan. Holding, sir, holding. We are about to unveil the thing. Sir, holding. Skull lag jane chahiye. And would like to thank the DOP, Mr. Ravi Yadav. Cinematographer, Ravi, Mr. Sir. Adil Sheikh. Adil, sir. And can we have my friend Neil H also up here? Please come up, Neil. Neil, yes. Mukesh, ladies and gentlemen. Neil, please come up.
और इसी सब के साथ आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक मिस्टर देवेन कोटक, शिवाजी पोटे एडिटर, बलबीर गिल साहब, एंटायर टीम ऑफ वीनस, वरुण गुप्ता, ट्रिगर मैक्स, पारुल चावला पिक्चर एंड क्राफ्ट, Brandon Buzz, Tosif, Sheikh, Sumit, Vinod, dancers, ladies and gentlemen, the entire team, give it up for them one more time. And Varun has to leave, so we'll have a quick photo op. Thank you so much, Varun. Thank you, Neil. Thank you so much. DJ Saab, can we have some music, please? Can we play Sajan Mein Nachungi? We've got this very special section over there, ladies and gentlemen, for all the one-on-ones with Sophie and the team. So it's up to you guys, just be there. We have this khopcha. Then for us, that's the most important thing. And it's the biggest compliment. Because everyone works very hard on their project. That people like it. And that's what I said for me. It's the most important that people sing this song. And I said on stage that it's not just about the millions of hits on YouTube, it's really about everybody who's listening to it in their cars, on their, you know, on iTunes and on whichever platform, and people are dancing to it together, shaadiyon mein naach rahe hain, DJs play kar rahe hain. That's the real success of a song. So mere liye sabse zyada zaruri wo hai ki logon ko pasand. Actually, मैं और चंपक जी बहुत टाइम से कुछ साथ में करना चाह रहे थे. सब जानते हैं कि वीनस का जो म्यूजिक कैटलॉग है वो लाजवाब है. दे हैव सो मैनी क्लासिक सॉन्ग्स. तो हम ऑलरेडी एक गाना प्लान कर रहे थे और मैं बार बार कह रही थी कि चंपक जी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू अ वेडिंग सॉन्ग. शादी टाइप का गाना होना चाहिए क्योंकि मैं इतने साल ज़्यादा स्टेज शोज़ करती हूँ तो मुझे पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए. हम वे वो ने हेयर. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये वाले रिकॉर्ड करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ. और अजय एंड लवी अलॉन्ग विद चंपक जी एंड विक्रम द म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने ये पूरा गाना कंसेप्चुलाइज किया मेरे बारे में सोच के, कि मैं कहती हूँ कि क्लब साउंड होना चाहिए, ढोल होना चाहिए, अपबीट होना चाहिए, कैची होना चाहिए, वो सब चीज़ें मुझे चाहिए थी. तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही मुझे सुनाया पहला ड्राफ्ट एंड इट वॉज अमेजिंग. तो फॉर मी दिस सॉन्ग इज़ नॉट अ टिपिकल फिल्म शादी टाइप का गाना. इट्स अ लॉट कूलर, इट्स वेरी मॉडर्न एंड आई रियली होप इट फिट्स परफेक्टली इन टू द इंडी पॉप स्पेस एंड इट फिट्स इन टू अ फिल्मी स्पेस. देखिए, इस गाने को लेके हम लोग इतने एक्साइटेड है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे करीबन 6 महीने से काम कर रहे हैं और इस गाने के बाद जो शूटिंग का काम आया है तो सोफी का काम ऐसा है कि वो एक चीज़ भी इतनी परफेक्शन मैंने किसी आर्टिस्ट में देखी नहीं. मैंने अपनी लाइफ में बहुत आर्टिस्टों के साथ काम किया लेकिन सोफी जी का जो हर चीज़ में उनका सपोर्ट और हर चीज़ में कौन सी भी इन्वॉल्वमेंट, इतना इन्वॉल्वमेंट है कि कोई भी चीज़ ज़रा से भी कहीं है तो सोफी जी और उनकी खासकर मम्मी जी, दोनों मम्मी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है. शी इज़ द बिग बॉस. शी इज़ द बिग बॉस. और मतलब इस गाने को हमने तो बना तो दिया था. मैंने गाना जब मैंने और डायरेक्टर ने जब सोफी जी को ये गाना सुनाया तो उन्होंने एक सेकंड भी लगाया नहीं मुझे. उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैंने समझ गया कि इनको ये गाना पसंद है. और चंपक जी ने उस टाइम पे मुझे कहा था कि इस शादी के लिए मान जाओ. मैंने कहा सर, इस शादी के लिए मैं मान गई, ये इस गाने के लिए मैं राजी हूँ. बिल्कुल ऐसा ही हुआ था. यहाँ पर शादी की बात हो रही है तो अगर कोई लड़का अगर आपको इम्प्रेस करना चाहे तो क्या क्वालिटी देखती है एक लड़के? मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते की अफवाहों की वजह से सारे लड़के भाग चुके हैं. पहले ही बहुत कमा रहे थे और अब तो सारे ही भाग गए हैं डर के मारे कि सचमुच ही शादी हो रही है. तो मैं हैप्पी हूँ कि वरुण धवन ने आके अनाउंस किया कि वो बहुत खुश है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ फिलहाल. आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से व्हाट विल इम्प्रेस मी. मैं एक डाई हार्ड रोमांटिक हूँ तो जब होना होगा होगा.
देखेंगे. अच्छा, बॉलीवुड में से ऐसा कोई एक्टर है जिसको आप चाहती है कि वो मुझे इम्प्रेस करे? कि वो मुझे इम्प्रेस करे या मैं उनसे इम्प्रेस हूँ? वरुण को छोड़कर. वरुण को छोड़कर फिर तो मैं क्या बोलूँ. आई एम वेरी बायस्ड व्हेन इट कम्स टू वरुण, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें उनके डैडी ने मुझे लॉन्च किया था फिल्मों में, बट वीव नोन ईच अदर फॉर सो लॉन्ग एंड आई थिंक ही इज़ अमेजिंग. इतना डाउन टू अर्थ, इतना सक्सेसफुल, ही इज़ एन अमेजिंग गाय. उस जैसे बहुत कम लड़के हैं इस इंडस्ट्री में. और ये गाना भी थोड़ा नॉटी एंड नाइस था, तो मैं चाहती थी कि जो इस इंडस्ट्री का सबसे नॉटी और नाइस लड़का हो वो ही लॉन्च करे, और उसी ने किया. तो ही इज़ द ओनली वन आई केयर अबाउट हिज ओपिनियन अ लॉट एंड आई एम ग्लैड ही वाज हियर. अच्छा, वरुण ने क्यों फीचर नहीं किया फिर इसमें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो लॉन्च करे, तो अगर वीडियो में होता तो ज़्यादा. Yeah, I know, that's very true, but he's been away shooting a lot, and I think, yeah, who knows, maybe he'll be in the sequel. Sequel mein bhi kaafi kuch ho sakta hai. How hard is it to direct me in a video? It's not very hard. She's a great singer, great performer, so we didn't have to do too much about it. She is perfect in everything. They can say this क्योंकि मेरे जो करियर का सेकेंड सॉन्ग था when I was still studying and I had a girl band called Samsara, और मैं तब यहाँ रहती भी नहीं थी. हमारा एक हिट गाना आया था हबीबी हबीबी करके, and they were the directors of that video also. तो हमारी association इतनी पुरानी है, but with time everybody grows and everybody changes, and I think हम सबका growth इस video में नज़र आ रहा है. सिंगिंग के लिए आपको कौन इंस्पायर करता है? मैं जब छोटी थी तो इट वाज नाजिया हसन, मैं उनकी तरह बनना चाहती थी, इसलिए मुझे हमेशा पॉप का शौक था. जिस गाने पे मैंने सबसे पहले गाया था, मैं 12 साल की थी, वो गाना था मेड इन इंडिया. मैंने उसके सारे बैकिंग वोकल्स किए थे. तो आई थिंक हमेशा मैं पॉप से जुड़ी रही हूँ, एंड इंटरनेशनली इट्स ऑलवेज बीन बियॉन्से, मराया कैरी एंड जेनिफर लोपेज. आई बिलीव अ सिंगर शुड ऑल्सो बी अ परफॉर्मर. I'm not really a full-time playback singer or anything like that. I believe in the pop space. Ek diva, pop singer, dancer, performer, that's my space. And I think maine usme apna naam banaya and I'm very proud about that. Sophie ji, ek aisi person yahan par hai jo bhi se aayi hui hai. एक्चुअली मेरी जो मॉम है, मीडिया वाले उनको जानते हैं लेकिन वो कभी सामने नहीं आती हैं. शी इज़ माई मैनेजर, माई पार्टनर इन क्राइम, और ये वीडियो उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है. तो शी इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आइडियाज, द क्लासीनेस, द प्रोडक्शन वैल्यूज, शी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इट. यहाँ तक कि आई थिंक बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो बैकग्राउंड डांसर्स के कपड़े जाके चूज़ करते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट देयर वाज, बिकॉज आई वांटेड एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वीडियो टू लुक गुड. अक्सर ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को लगता है कि उनको अच्छा दिखना चाहिए, पीछे जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता. बट फॉर मी एवरी सिंगल पर्सन हैड टू लुक कूल, स्टाइलिश, एवरीवन हैड टू लुक लाइक दिस वाज रियल. ये एक्चुअली मेरी दोस्तें हो सकती हैं, एंड टुगेदर वी ऑल वर्क विद अमेजिंग टीम एंड एवरीबडी रियली डिड वेल. आप लोग ये गाना हिट करा दो तो इसके बाद एक के एक और म्यूजिक वीडियोज आएंगे और अच्छे गाने आएंगे, एंड आई प्रॉमिस दे विल ऑलवेज बी क्लासी एंड सेक्सी, नेवर चीप एंड वल्गर, ऑलवेज क्लासी एंड सेक्सी. दैट्स माई ब्रांड, दैट्स हु आई एम, एंड दैट्स हाउ आई विल ऑलवेज बी. देखिए, सोफी मेरी फैमिली की तरह है, इतने साल से हम लोग ये करते हैं. हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं लेकिन हमें इससे लगाव भी बहुत है, इसके लिए हम बहुत मेहनत से काम करते हैं. बहुत खूबसूरत गाना है हमारे हिसाब से, ब्यूटीफुल सिस्टम. शी इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स. इट शुड बी, इट शुड बी. पर्दा है जी की आज फ्लोर हिला दूं, सैया की आएगी बारात, नशीली होगी रात, सजन मैं नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी नाचू नाचूंगी नाचूंगी नाचू नाचूंगी. डीजे से कह दो एक बात, बजाए सारी रात, सजन मैं नाचूंगी, सजन मैं नाचूंगी नाचू.
सबको लग रहा था एक डायमंड था, तो वो इंगेजमेंट की रिंग थी. फिलहाल मेरा स्टेटस ये है, लव. सो यू ऑल कैन फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ वेदर इट्स आई लव सजन मैं नाचूंगी, वेदर इट्स आई लव द पर्सन हू केम टू लॉन्च द वीडियो, और वेदर इट्स जेन्युइनली अ लव. ये आप लोग सॉर्ट आउट करो. और जब असली शादी होगी प्लीज इतना ही एक्साइटेड होना. थैंक यू सो मच. थैंक यू.